देवास जिले के क्षिप्रा थाना क्षेत्र में एक युवती ने एसिड पीकर जीवन लीला समाप्त कर ली। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम करते हुए हत्या के आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के युवक से प्रताड़ित होकर जान दी है। दरअसल मामला क्षिप्रा थाना क्षेत्र का है, जहां 25 वर्षीय युवती ने एसिड पीकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया और दूसरे समुदाय के युवक के खिलाफ गलत काम करने और डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। चक्का जाम की सूचना मिलते ही औद्योगिक पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। परिजनों ने आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को समझाइश दी और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरी सिस्टर के साथ थोड़ा सा गलत हुआ है भैया, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले और मैं तो चाहता हूँ कि उसको फांसी हो। क्या नाम था आपकी सिस्टर का? मेरी सिस्टर का नाम था रीना जोशी। इनकी शादी हो गई थी क्या? हाँ, इनकी शादी हो गई थी, इनके दो बच्चे हैं। हाँ, फिर ये जो मुसलमान छोरा था ये कौन था और क्या था? ये भैया, इसके बारे में अपनों को तो नहीं जानकारी है। हाँ। पर हाँ, एक बार मेरी बहन ने मेरे को बोला था। हाँ। कि ये लड़का उसको परेशान करता है। हाँ। छेड़छाड़ भी करता है और इस पे चाकू वाकू लाके मेरी भी धमकी दी कि तेरे भाई को मार दूंगी अगर तूने मेरे साथ गलत संबंध नहीं बनाया तो। हाँ। तो इन्होंने उसके साथ संबंध बनाए हैं और मैंने जब समझाया भी है एक बार कि ठीक है यार, कि अपने घर की इज्जत तो घर में रहे। जो है पहला अपराध मुक्ति लेने की वजह से उसके बाद में रखी हुई है, तो उस घटनाक्रम को लेके कुछ व्यक्त किया था उनकी बातों को सुना गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसमें की गई है। सभी वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है, आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी महिला का शांति। आरोपी का मकान भी सील विल किया। देवास से राम माल्या की रिपोर्ट।